हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ शिमला। शिमला आई हूँ मैं अपने कॉलेज की असाइनमेंट जमा करने। तो इससे पहले मैंने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा और अभी 12:30 हो गए हैं और अभी मैं कॉलेज जाऊँगी और जितना पॉसिबल हो सकेगा आपको मैं शिमला का व्यू दिखाऊँगी। और फ्रेंड्स, अभी मैं कॉलेज के पास पहुंच गई हूं और अभी मैं ब्रिज के ऊपर से जा रही हूं। ये अभी नया नया ब्रिज बना है तो यहां से जा रही हूं और मेरे हाथ में है असाइनमेंट के फर्स्ट पेज जो मुझे अभी लगाने हैं क्योंकि मैं घर से लगा के नहीं आई थी। और मैं अभी कॉलेज में पहुँच गई हूँ और यही मेरा स्टडी सेंटर भी है, मतलब यहाँ पर मेरे एग्ज़ाम होंगे। अभी मैं यहाँ पर फर्स्ट पेज में अपनी डिटेल्स भर रही हूँ। और अभी 1 बज गया है और मैं असाइनमेंट जमा करके आ गई हूँ और यहाँ पर ऐसी एक रसीद मिलती है जिससे कंफर्म होता है कि असाइनमेंट जमा कर दी है। और अभी जो भी बाकी काम रहे हैं वो भी जल्दी जल्दी निपटाने होंगे क्योंकि बस के लिए टाइम काफ़ी कम रह गया है, 2:30 बजे बस आ जाती है। और अभी मैं आ गई हूँ IGMC के पास, यहाँ पर मुझे एक दवाई लेनी थी और मैंने वो दवाई ले ली है और अभी जल्दी जल्दी जा रही हूँ। और जो भी पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको उतना शिमला का व्यू ज़रूर दिखाऊँगी। और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है और अभी हम कुलचा खा रहे हैं क्योंकि चलते चलते रास्ते में यहाँ पर सिर्फ यही दिखा तो अभी हम यहाँ से कुलचा खाएंगे। अभी पहुंच गए हैं लक्कड़ बाज़ार और ये पूरा लक्कड़ बाज़ार है। यहाँ पर लक्कड़ से बनी हुई चीज़ें, काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाती है जो बहुत सुंदर होती है देखने में भी। और देखिए कितने अच्छे से आजकल बाज़ार सजे हुए हैं। और गाइस, आप देख सकते हैं कि IGMC के आगे से जो भी बाज़ार लगता है वो IGMC के सामने से पूरा रिज के मैदान तक पूरा लक्कड़ बाज़ार ही है और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। और गाइस, शिमला में टूरिस्ट दूर दूर से घूमने आते हैं और सर्दियों में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। ये बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। और ये है रिज मैदान जो पर्यटकों के घूमने की सबसे पसंदीदा जगह है। जो कोई शिमला आए और रिज पे ना जाए, यहाँ पर ना घूमे और कोई सेल्फी ना ले तो वो तो कोई पता नहीं कोई ही होगा। बाकी यहाँ पर कोई भी आते हैं तो सेल्फी तो ज़रूर लेते हैं, इतनी अच्छी जगह है ये। और आपको देख सकते हैं गाइस, ये है भारतीय तिरंगा, भारत की आन बान शान, हमारा तिरंगा।
और भी यहाँ पर बहुत सारी जगह देखने लायक है, बहुत अच्छी जगह है। और गाइस यहाँ पर काफ़ी बिल्डिंग्स ऐसी है जो अंग्रेज़ों के टाइम की है, पर आज टाइम कम है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी, पर जब भी नेक्स्ट टाइम मैं शिमला जाऊँगी तो आपको मैं पूरा घुमाऊँगी, पूरा शिमला दिखाऊँगी। तो जो भी शिमला घूमने आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, पर यहाँ पर ठंड थोड़ी ज़्यादा होती है इसलिए बाहर से जैकेट वगैरह ज़रूर लगा के हैं। और यहाँ पर अंग्रेज़ों के टाइम का ये चर्च है, और इस चर्च के पीछे एक हनुमान की मूर्ति दिखाई देती है बहुत दूर से, 108 फीट ऊंची मूर्ति है वो, वहाँ पर जाकू मंदिर है। और अभी 2:30 बजने वाले हैं और बस भी आती ही होगी, इसलिए हम जा रहे हैं अब बस स्टैंड, और लकड़ बाज़ार बस स्टैंड यहाँ बोलते हैं जहाँ से हम जा रहे हैं, तिब्बती मार्केट, और यहाँ से नीचे उतरते हैं वहाँ पर ही बस स्टैंड है लकड़ बाज़ार, वहीं से ज़्यादातर बसें जाती है तो हमारी बस भी वहीं आएगी। और गाइस अभी 10 मिनट वेट करने के बाद मेरी बस भी आ गई है और अब मैं जाऊंगी घर, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सुबह 5:30 बजे मैं घर से आ गई थी और अब शायद शाम को 8-9 बजे घर में पहुँचूँगी। और गाइस अभी मैं घर जाते हुए व्लॉग बना रही हूँ, सुबह मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि जब मैं घर से आई तो बिल्कुल अंधेरा था और कुछ भी नहीं दिख रहा था। 5:30 बजे मैं घर से आ गई थी, 6 बजे मैं द्रोड़ा बस स्टैंड में पहुंच गई और 6 बजे वहां से बस आती है जो शिमला 10:30 तक पहुंच जाती है। और अभी पता लगा कि ये बस सिर्फ जलोग तक ही जाएगी आज, और उसके बाद मुझे रात वाली बस का वेट करना पड़ेगा, तो मैंने अपने छोटे भाई को बोल दिया है कि वो मेरा वेट जलोग में ही करे। और गाइस अभी मैं पहुंच गई हूँ जलोग, और यहाँ पर मेरे को अभी 2-3 फ्रेंड्स भी मिली मेरी जो बहुत क्यूट है। और अभी मेरे को भूख लग गई थी क्योंकि खाना सुबह का खाया हुआ है, और अभी हम चाउमीन खा रहे हैं, फिर कुछ टाइम में हमारी रात की बस भी आ जाएगी। और ये है मेरा भाई, और जलोग में 1.5-2 घंटा वेट करने के बाद हमारी बस भी आ गई थी, और फिर काफ़ी रात हो गई थी इसलिए मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है।